दिन भर के प्रायोजक हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। सिटी वन चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस लाइन में लगी मनोहर झांकियां, सहज ही लोग हुए आकर्षित। जन्माष्टमी के मौके पर जलकल में सजा कान्हा का दरबार, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सबने बोला जय कन्हैया लाल की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मनाया गया आशा सम्मेलन, आशाओं का बढ़ा मानदेय, उत्कृष्ट कार्य के लिए हुई पुरस्कृत। जिलाधिकारी ने आशा बहुओं से कहा दलालों से बचकर रहें। SSP ने किया गोरखपुर के कौड़ीराम में नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन, पुलिस अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग भी रहे मौजूद। फर्जी असलहे मामले में एक और अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, फर्जी लाइसेंस सहित राइफल, पिस्टल, फॉर्चुनर मैगजीन भी हुआ बरामद। पुलिस के ऑपरेशन वज्र के तहत गिरफ्तार हुए 75 वांछित अपराधी, SP सिटी ने दिया ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी। मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने कराया एक प्राइवेट एम्बुलेंस को सीज, एम्बुलेंस मालिकों ने किया प्रदर्शन, प्राइवेट नर्सिंग होम में जबरन कराया करते थे मरीजों को भर्ती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भंग की सभी सपा कार्यकारिणी, दी ट्विटर के माध्यम से जानकारी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर करोड़ों की जालसाजी का पुलिस ने किया पर्दाफाश, और चकसा हुसैन के स्थानीय लोगों ने गंदगी, जल जमाव, जर्जर रास्तों के विरोध में फूंका मेयर और नगर आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला, कहा निगम की अनदेखी से जीना हो गया है मुहाल।